एक बार की बात है, एक व्यापारी के पास एक नौजवान घोड़ा था। वह घोड़ा जब नौजवान था तो वह व्यापारी ने उस घोड़े से सभी कार्य करवाता था और अपने जीवन के हर एक कार्य को उस घोड़े को ही करने को सौंप देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह नौजवान घोड़ा बूढ़ा होने लगा। एक दिन वह व्यापारी और घोड़ा दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था। अचानक उस कुएं में वह घोड़ा गिर गया और वह घोड़ा उस कुएं से बाहर निकालने की चीख लगाने लगा, लेकिन वह व्यापारी उसकी आवाज़ को सुनता और उसे इनकार करता। वह व्यापारी कुछ समय सोचने विचारने के बाद वह सोचा कि मैं इस घोड़े को इस कुएं से बाहर निकालूं या उसी में छोड़ दूं। यह पहले जैसा कार्य भी नहीं करता। अब यह तो बूढ़ा हो चुका है और मेरे जीवन के हर एक कार्य को अच्छे तरीके से भी नहीं कर पाता, इसलिए मैं इस घोड़े को इस कुएं में ही छोड़ देता हूँ, शायद उसी में मर गल जाए। वह व्यापारी उस गांव में गया और कहा, आप लोग इस कुएं को भर क्यों नहीं देते? यह कुआं तो किसी की भी जान ले सकता है। उस गांव वालों ने उस व्यापारी की बातों को सुनकर उस गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और सभी लोग उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे भरने लगे। जैसे गांव के सभी लोग मिट्टी को कुएं के अंदर डालते, घोड़ा झाड़कर थोड़ा सा ऊपर आ जाता। जैसे गांव के लोग मिट्टी अंदर डालते, घोड़ा झाड़कर उसे ऊपर आ जाता। जैसे गांव के लोग मिट्टी को अंदर डालते, घोड़ा झाड़कर ऊपर आ जाता। ऐसे धीरे धीरे करके गांव के लोगों ने मिट्टी डालना शुरू किया और नीचे धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा होना चालू किया और उसकी सहायता से वह घोड़ा बाहर निकल गया। निष्कर्ष, दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी के काम आते हैं तो लोग हमारी हर तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, और जब हमारे पास एनर्जी, धन दौलत, मान मर्यादा सब समाप्त हो जाते हैं तो लोग हमें छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में किसी की भी सहायता सोच समझ कर करिए, अच्छे दिल से करिए, ताकि वह भी आपके साथ आपका रिश्ता निभा सके। अन्यथा मतलबी लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। लोग मतलब के लिए रिश्ते निभाते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो आपको छोड़ देते हैं। इसलिए अपने जीवन में मतलबी लोगों से हमेशा दूर रहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए।